विजय में 3.3 अपडेट का आखिरी जो प्रीमियम क्रेट है जस्ट एक दिन में आने वाला, मतलब परसों सुबह 5:30 बजे आपको ये प्रीमियम क्रेट का आइटम रिफ्रेश होते हुए दिखेगा। हालांकि ये जो 3.3 अपडेट का पहला प्रीमियम क्रेट का जो रिवॉर्ड था ये रिपीटेड था, पास्ट में एक वर्जन में आया तो उसी को वापस से लोग चिपका दिए और लोगों को उल्लू बनाने के लिए भाई ओपन करने के लिए बोल दिया। वैसे मैं पहले ही बोल दिया था कि इसमें आप एक भी कूपन यूज मत करो, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट प्रीमियम क्रेट में हम लोग का न्यू आइटम देखने को मिले। उम्मीद ये मत करना कि अपग्रेडेबल देखने को मिलेगा, कुछ न्यू आइटम आउटफिट उटफिट देखने को मिलेगा और चांसेस जो ज़्यादा है वही मैं आपको दिखाने वाला ये वीडियो में। उसी के साथ साथ कल वाला वीडियो में बताया था कि बेली गॉम के साथ कोलैबोरेशन आपको BGMI प्लस पबजी मोबाइल KR में आपको देखने को मिलेगा, तो वो फाइनली वो क्रेट आ चुका है। बट गलती से भी ये क्रेट में भाई ओपन मत करना, क्योंकि आप देख पा रहे हो सबसे सस्ता जो इसका ओपनिंग है वो 45 UC का है और 810 UC लगेगा तब जाके आप इसमें 10 स्पिन कर सकते हो, जो कि भाई नॉर्मल स्पिन से भी काफ़ी महंगा। इसमें भले ही M4 के ऊपर चांसेस दिख रहा है, मतलब चांसेस ज़्यादा है कि M4 मिल जाए, बट गलती से भी ये M4 में आप UC मत लगाना, क्योंकि ये अपग्रेडेबल गन नहीं है, नॉर्मल गन है। उससे अच्छा अगर कोई UC लगाना ही है ना तो भाई इसमें UC लगाओ, ठीक है। पहले तो इसका जो 10 स्पिन वाला जो कॉस्ट है उसका कंपेयर में काफ़ी कम है, 540 UC में आप 10 स्पिन कर सकते हो और अगर आप 3 gem कलेक्ट कर पाओ तो भाई आप आराम से उससे बेहतरीन M4 निकाल सकोगे, जो कि एक अपग्रेडेबल M4 है और वन ऑफ द बेस्ट M4 कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये वाला M4 में फोकस करो रादर देन वो वाला क्रेट के अंदर जो आया है ना, ये कोई अपग्रेडेबल M4 नहीं है, नॉर्मल M4 आपको दिखाई दे रहा है, इससे अच्छा तो वही है, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा समझदारी दिखाओ, सब क्रेट आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है भले ही आपके पास कितना भी यूज़ हो, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया। तो नेक्स्ट जो प्रीमियम क्रेट है इसमें आपको मोस्ट प्रोबेबली शैडो एम्प्रेस सेट देखने को मिलेगा। हालांकि ये पहला प्रीमियम क्रेट में आना चाहिए था, क्योंकि क्लासिक क्रेट तो भाई कॉपी किया था पबजी का, बट पबजी का जो प्रीमियम क्रेट है वो कॉपी नहीं किया, तो इसलिए ये जो प्रीमियम क्रेट है पेंडिंग है, तो इसलिए अभी शायद ये दे सकता है क्योंकि पबजी के अंदर ये प्रीमियम क्रेट जा चुका है, ठीक है। तो ये प्रीमियम क्रेट का आउटफिट आप देख पा रहे हो, शैडो एम्प्रेस सेट उसका हेडगियर आपको दिखाई दे रहा है, M16 आपको देखने को मिला, ये नॉर्मल है, कोई अपग्रेडेबल नहीं है, पहले ही बता दे रहा। उसके साथ साथ शैडो एम्प्रेस हेलमेट आपको दिखाई दे रहा है, ये हेलमेट आपको मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा Level 1, Level 2 और Level 3 देख लीजिए, ये आपको प्रीमियम क्रेट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ऑर्नामेंट भी है, एक मोलोटोव कॉकटेल आपको दिखाई दे रहा है, ये आप ओपन कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, क्योंकि ये अगर आता है तो ये न्यू आइटम है, ये कभी भी BGMI के अंदर इससे पहले नहीं आया। अभी जो करंट प्रीमियम क्रेट देख रहे हो भाई पहले भी आया तो वापस से वो रिपीट कर दिया, और पबजी के अंदर आपको M762 दिख रहा है तो उसको आप आग बंद करके इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वो नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर करो और ये हम लोग का प्रीमियम क्रेट होने वाला है। इसके अलावा जो रिमेनिंग चीज़ आपको क्रेट के अंदर देखने को मिलेगा वो रिपीटेड होने वाला, टाइम लिमिटेड कुछ कुछ चीज़ें होने वाला, वही आपको रिपीटेड देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ये आउटफिट या M16 ये सब कुछ चाहिए तो आप ओपन कर सकते हो, और अगर कुछ नया अलग से ये लोग प्रीमियम क्रेट देता तो उस दिन हम लोग देख लेंगे, ठीक है। बट एक चीज़ कन्फर्म है कि नेक्स्ट वर्जन में हम लोग का जो प्रीमियम क्रेट आने वाला पबजी प्लस BGMI के अंदर वो हेलोइन थीम का होने वाला, तो कौन सा होने वाला फास्ट फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे बनी एंड उसके साथ साथ घोस्ट थीम से कंबाइन होकर ये वाला बोल सकते प्रीमियम क्रेट को बनाया गया। मैं डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी BGMI में आने में ये काफ़ी टाइम है, तो इसलिए मैं आपको ये एक बार फास्ट फोटो में दिखा दे रहा हूँ कि ये वाला हम लोग का प्रीमियम क्रेट नेक्स्ट वर्जन में, तो बचाना चाहते तो बचा लो अपना प्रीमियम क्रेट, नेक्स्ट वर्जन में ओपन कर सकते हो। उसके बाद हेलमेट भी आपको काफ़ी प्यारा लगेगा। उसके साथ साथ आपको एक ग्रेनेड दिखाई दे रहा है, ये अपग्रेडेबल भले लिखा हुआ बट अपग्रेडेबल ग्रेनेड नहीं होने वाला, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये ग्लिस से लिखा हुआ आ रहा, नॉर्मल ग्रेनेड ही होगा। ऑर्नामेंट आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ पैरासूट स्किन भी है। सबसे क्यूट वाला जो गन आपको देखने को मिल रहा वो है फार्मस, तो फार्मस आपको अभी एयर ड्रॉप में केवल मिलता है। टू बी ऑनेस्ट लुक वाइज ये फार्मस मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा, तो ये क्विकली मैं आपको दिखा दिया कि ये हम लोग का नेक्स्ट वर्जन जो आने वाला उसमें प्रीमियम क्रेट में आपको देखने को मिलेगा, और भी डिटेल में लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो इधर आप देखो 3.4 का बीटा में हम लोग आ चुके हैं और बीटा वर्जन का जो आखिरी फेज का जो अपडेट था ना वो भी फाइनली रोल आउट हो चुका है, मतलब 95% से 99% जो जो चीज़ आपको अभी ये चीज़ में दिख रहा है वही चीज़ आपको कॉपी होते हुए दिख जाएगा ग्लोबल वर्जन में जब लॉन्च होगा, ये फाइनलाइज हो चुका है। तो आज के वीडियो में कुछ नया चीज़ जो ऐड हुआ ये आखिरी फेज ऑफ बीटा में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप देख पर इवेंट शॉप हम लोग का रिफ्रेश हो चुका है, इधर आप देख पर ब्लड मून अवेकनिंग वाला शॉप हम लोग का आ चुका है। वर्जन गेम प्ले का तो ऑलरेडी मैं कुछ चीज़ें दिखा चुका, वापस से आप देख लो ये कुछ चीज़ें हम लोग को नेक्स्ट वाला वर्जन में देखने को मिलेगा, मतलब ये फाइनलाइज हो गया, इसे चलते ये पोस्टर आ चुका है कि यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा हेलोवीन अपडेट में। और इसका सबका तो मैं ऑलरेडी गेम प्ले दिखा चुका हूँ, वापस से जब हम लोग का आ जाएगा तो एकदम डिटेल में सब कुछ वापस से मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। ये आपको देखने को मेरा चीज है। उसके बाद आप देख पर एक हिडन क्रेट भी आपको दिखाई देगा, ये हम लोग का जो बॉस होने वाला है ये आपको देखने को मिलेगा, और इधर आपको हॉर्स देखने को मिलेगा। मेन जो हाइलाइटिंग चीज है वो तो मैं ऑलरेडी दिखा चुका, कुछ कुछ जो चेंजेस हुआ गेम प्ले में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो फाइनल गेम प्ले चेंजेस हुआ है
वो मैं आपको अलग वीडियो में दिखा दूंगा, सो डेट आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगी फाइनली वो लोग क्या चीज़ को लॉन्च करने वाले, ठीक है। उसके बाद हम लोग का ऑफलाइन क्रिएट में जो आइटम है वो रिफ्रेश हो चुका है, तो ये कुछ चीज़ें आपको नेक्स्ट वर्जन में देखने को मिलेगा। मैं अच्छे तरीके से आपको दिखाने वाला हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें, लाइक आप देख पा रहे कुछ आपको मिथिक चीज़ें आपको देखने को मिल रहा, अवतार भी है, टाइम लिमिटेड काफ़ी सारा चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है, इसमें से कुछ भी मिल सकता है और गारंटी में आपको ये कॉइन मिलेगा। और उसके बाद इवेंट शॉप में क्या आइटम आएगा चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ड्रैकुला बॉस का आपको ये अवतार दिखाई दे रहा है, इसको आप परमानेंट रिडीम कर पाओगे इवेंट शॉप में जैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये फ्रेम आपको देखने को मिल रहा है, ये फ्रेम भी आप परमानेंट रिडीम कर पाओगे। कुछ कुछ चीज़ परमानेंट होगा, कुछ कुछ टाइम लिमिटेड होगा, ये चीज़ आप टाइम लिमिटेड निकाल पाओगे। इन्फो कार्ड जो कि देख पर हेलोइन वाला काफ़ी अच्छा लग रहा, मेन मेन्यू भी आप देख पर क्रिम्सन पैलेस का, ठीक है। उसके बाद चैट भी आप देख पा रहे हो एंड सोशल प्लेयर कार्ड भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको वैसे क्रेट ओपन में भी टाइम लिमिटेड मिल सकता है, ऐसे रिडीम भी कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप देख पा रहे ये आपको इन्वाइट वाला चीज़ें देखने को मिल रहा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। चेयर है ना वो आपको दिखाई दे रहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला आपको देखने को मिल रहा है, ये भी आपको एक्स्ट्रा ये वाला मोड के लिए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ एक्सक्लूसिव ये पर्टिकुलर मोड के लिए होता है। उसके बाद आप देख पा रही है आपका नेम में आपको देखने को मिल रहा क्रिम्सन हॉर्स का, ये आपको दिखाई दे रहा डिसेंट सा लग रहा। बबल चैट भी आप देख पा रही है आपको मिल जाएगा, चैट वाला भी आपको देखने को मिल जा रहा। तो ये कुछ चीज़ें इवेंट शॉप में आपको देखने को मिलेगा जब आपका अपडेट आ जाएगा क्रिम्सन का, ठीक है। तो ये लॉबी को आप 3 दिन के लिए निकाल पाओगे इधर से, नहीं तो आप अल्टीमेट वाला जो स्पिन आएगा ना उसमें आप परमानेंट निकाल पाओगे 2 जेम से, ठीक है। और ये लॉबी को आप अपग्रेड कर सकते हो अगर आप कलेक्शन में इसको मैक्स करते हो सीजन वाला को, जब आप देखो कलेक्शन में सीजन में अगर आप आखिरी में मैक्स कर लेते हो तो इसी को आप अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ तभी होगी जब आप इसको मैक्स करोगे, जो कि इतना जल्द ईजी होता नहीं, अच्छा खासा आपको ओपनिंग ओपनिंग करना पड़ता तब जाके वो मैक्स होता। बट टू बी ऑनेस्ट इसका बेसिक फॉर्म भी मुझे काफ़ी पसंद आया, तो अगर आप चाहते हो कुछ यूनिक हैलोइन वाला लॉबी लेने के लिए तो अल्टीमेट वाला स्पिन से ये परमानेंट निकालना पड़ेगा। वैसे आप टाइम लिमिटेड जब तक ये मोड है आप 3-3 दिन के निकाल सकते हो, ज़्यादा नहीं लगता और उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो जाते जाते एक आखिरी चेंजेस के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं वैरायटी ऑफ मैप्स खेलता हूँ, बट कुछ कुछ बंदे को पसंद आने वाला जो केवल इरांगेली खेलते हैं, ज़्यादा अलग मैप नहीं खेलने वाले। तो आपको पता है इस अपडेट में मतलब पबजी वर्ल्ड के अंदर तो इस अपडेट में आ जाएगा, बीजेएमआई का मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट अपडेट में आएगा। अल्टीमेट रॉयल है ना, अल्टीमेट रॉयल का देखो पोस्टर चेंज हो चुका है। और एक चीज़ आप नोटिस करो, रिवॉर्ड तो आपको दिखाई दे रहा बट एक हम लोग का मैप हटा दिया है, वो आप देख पा रहे हो मीरामार का ये लोग हटा दिया है। और इधर आप लोग इसमें भी जाएंगे रूल्स में भी, इधर 6 नंबर पॉइंट जो देख पा रहे हो मैप में आप देखो क्लासिक इरांगेल कर दिया, मीरामार को हटा दिया। तो मुझे लगता है इसमें ये लोग कुछ सोचे हैं, क्योंकि मीरामार जो मैप है ना काफ़ी लोग डाउनलोड नहीं करते। अब जब डाउनलोड नहीं करोगे तो मैच मेकिंग होगा नहीं मीरामार में, कुछ कुछ बंदे ही डाउनलोड करेंगे तो मैच मेकिंग में शायद प्रॉब्लम होगा। इसलिए केवल अभी के लिए ये लोग इरांगेल को फाइनलाइज कर दिया। इतना दिन तक हम लोग देखे बीटा वर्जन का फेजेस में कि मीरामार का इंक्लूडेड था, इवन मैं मीरामार वाला गेम प्ले भी आपको दिखाया था कि मीरामार में भी ये लोग अल्टीमेट रॉयल को इंप्लीमेंट कर दिया, जहां हम लोग को बेसिक जो मीरामार है वही देखने को मिल रहा, कुछ अलग से पेट्रोल पंप वो सब शॉप कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा जैसे इरांगेल में, ठीक है। बट अभी जो फाइनल अपडेट आया इसी को आप कंफर्म समझ लो। तो आप लोग कमेंट करो कि मीरामार हटा के सही किया कि गलत किया, आप लोग कमेंट कर सकते हो। बट मुझे पर्सनली मीरामार काफ़ी पसंद है, तो मैं थोड़ा सा अपसेट हुआ हूँ कि मीरामार रहना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जब अल्टीमेट रॉयल में रैंक अप करेंगे तो आपको पता ना ही हम लोग का थीम मोड है, ना ही कुछ एक्स्ट्रा है हम लोग को बेनिफिट मिलेगा, तो हम लोग बोर भी हो सकते हैं एक जैसा एक ही मैप खेल खेल के। अगर मीरामार दे रहता ना तो वो दो मैप में हम लोग कभी कभी इधर फाइट कर रहे कभी उधर फाइट कर, थोड़ा सा हम लोग को इंटरेस्टिंग भी आता है और दोनों मैप का थोड़ा सा अलग गेम प्ले है जिससे और भी प्लेयर का जो पोटेंशियल है वो निकल के आता है, ठीक है। तो आप लोग अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। फिलहाल आज के हम लोग ये वीडियो को इतना रखते हैं, और भी बीटा वर्जन में काफ़ी चेंजेस हुआ अलग वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।